हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैकेनिकल गुरुकुल में। हम डिस्कस कर रहे थे आरएसी की टेस्ट क्वेश्चन सीरीज, डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चंस, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं, कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए रेफ्रिजरेटर दैट ऑपरेट्स ऑन, सबसे पहले तो ये रेफ्रिजरेटर है। ए रेफ्रिजरेटर दैट ऑपरेट्स ऑन कार्नोट साइकिल, किस पे ऑपरेट कर रहा है ये? कार्नोट साइकिल पे। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थिंग हम अंडरलाइन कर लेते हैं। कार्नोट साइकिल पे वर्क कर रहा है। इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर टू द एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर में 2000 किलो जूल पर मिनट दे रहा है, एक्चुअली हीट रिजेक्ट कर रहा है। ये आरसी नहीं है। आरसी क्या होती है? आरसी वो होती है जो हीट एब्जॉर्व होती है, स्टोरेज से जो हीट एब्जॉर्व होती है वो आरसी होती है, आरसी नहीं है। और कितने पे? 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और लो टेम्परेचर रिजर्वायर कितने पे है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वेयर एज लो टेम्परेचर रिजर्वायर इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पावर रिक्वायर पूछ रहा है। देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें जो पता है, हमें क्या पता है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है। पावर के फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं हम? सीओपी। कार्नोट है तो कोई बात नहीं, मैक्सिमम और वो दोनों इक्वली होंगी। सीओपी का फॉर्मूला क्या आएगा? आरसी बाय पी इनपुट, डायरेक्टली लिख सकते हैं। लेकिन हमारे पास आरसी नहीं है, ठीक है, आरसी नहीं है। और सीओपी का एक और फॉर्मूला होता है, कौन सा? टीएल डिवाइड बाय टीएच माइनस टीएल। यहां से टीएच की वैल्यू कितनी है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, 273 ऐड करेंगे तो 300 केल्विन। TL की वैल्यू है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 से ऐड करेंगे, 273 ही आ जाएगा। तो 273 केल्विन हो गया। यहां से हमें COP की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। COP की वैल्यू निकल जाएगी 273 डिवाइड बाय 300 माइनस 273, ये वैल्यू आएगी 10.11। लेकिन इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए हमें आरसी चाहिए, तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, तो सीओपी का दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। वो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? क्यू एल डिवाइड बाय क्यू एच माइनस क्यू एल। यहां से ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो, इसका एक डायग्राम बना लेते हैं सिंपल। यहां पर हायर टेम्परेचर है, यानी कि 300 केल्विन, ये हायर हीट है, ये रेफ्रिजरेटर है। यहां पर पी इन लिख लेते हैं हम। ये एक्चुअल में सारा रेट में लिखा हुआ है, ये किस में लिखा हुआ है? रेट में, तो इसलिए हमने स्मॉल लिख दिया। ये क्यू एल है और ये वैल्यू कितनी है? 273 केल्विन। ये जो हायर है इसकी वैल्यू दी हुई है, क्या दिया हुआ है? क्यू एच की वैल्यू, जो एटमोस्फियर में ट्रांसफर हो रही है हीट, वो कितनी हो रही है? 2000 किलो जूल पर मिनट। 60 से डिवाइड कर देंगे तो पर सेकेंड आ जाएगा, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 33.33 किलो जूल पर सेकंड। क्यू एच की वैल्यू आई है, तो हमें पी इनपुट निकालने के लिए क्यू एल चाहिए, क्यू एल आरसी होती है। तो ये क्यू एच की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। सीओपी की वैल्यू दोनों ही सेम रहेगी, क्योंकि कार्नोट है, कार्नोट साइकिल है ना, तो सीओपी की जो यहां से निकालेंगे हम, वो यहां पुट कर सकते हैं। एक्चुअल सीओपी और मैक्सिमम सीओपी इक्वल होगी, तो यहां पर लिख सकते हैं 10.11 इज इक्वल टू क्यू एल डिवाइड बाय क्यू एच की जगह 33.33 माइनस क्यू एल। तो यहां से हम डायरेक्टली, यहां से क्यू एल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये वैल्यू आएगी 30.33, ये वैल्यू आई क्यू एल की। क्यू एल आ गया, हमारे पास क्यू एच है, तो डायरेक्टली ये एक सिस्टम है, तो इसमें एंटर क्या हो रहा है? पी इन एंटर हो रहा है और क्यू एल एंटर हो रहा है, और बाहर क्या निकल रहा है? क्यू एच। तो यहां से पी इनपुट की वैल्यू आएगी क्यू एच माइनस क्यू एल डायरेक्टली, ठीक है। तो इसमें पुट कर देंगे, पी इनपुट आ जाएगा क्यू एच की जगह 33.33 और इसकी जगह 30.33, तो वैल्यू आएगी हमारे पास 3 किलोवाट। पावर रिक्वायर निकालनी है, पावर रिक्वायर की 3 किलोवाट वैल्यू आई, लेकिन आंसर में कहीं भी नहीं दिया हुआ है 3 किलोवाट। देखो, 200 वाट, 32 किलोवाट है, ये 200 किलोवाट है, ये नियर अबाउट, तो यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, ये 3
3 किलोवाट आ रहा है आंसर, और यहां पर 3.33 किलोवाट दिया हुआ है। अब यहां पर ये सब इतना सब करने की जरूरत नहीं है, इससे एक शॉर्ट तरीका है, छोटा तरीका है, वो हम देखते हैं कैसे होगा। ये 300 केल्विन है, क्यू एच आर पी इनपुट, ये वाला डायग्राम हम बना लेते हैं क्यू एल, और ये वाला टेम्परेचर कितना है 273, इसकी वैल्यू कितनी है 30.33.33 किलोवाट। तो हमें एक पता है, सिंपल तरीका मैं बताता हूँ आपको, हमें पता है क्लोसियस इनइक्वालिटी, क्लोज साइकिल पे, क्लोज साइकिल का इंटीग्रल डेल क्यू बाई टी कितना होता है, जीरो होता है रिवर्सिबल के केस में। और यहां पर कारनोट दिया हुआ है, कारनोट क्या होता है, रिवर्सिबल साइकिल है, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। और क्लोज क्लोज देखो, ये जो है रेफ्रिजरेटर क्लोज साइकिल पे वर्क कर रहा है, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्लोज इंटीग्रल क्लोज साइकिल पे साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी आपका जीरो आना चाहिए। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा सकते हैं। देखो एंटर जो हो रहा है उसको पॉजिटिव ले लेते हैं, और जो बाहर निकल रहा है उसको नेगेटिव ले लेते हैं, तो क्या आएगा क्यू एल डिवाइड बाय 273, ये एंटर हो रहा है इसमें, और बाहर क्या निकल रहा है माइनस क्यू एच डिवाइड बाय 300 इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहां पर पी इनपुट को हीट में काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ डेल क्यू बाय टी, सिर्फ क्यू बाय टी ही लेना है यहाँ पे। तो क्यू एच की वैल्यू पुट कर देंगे, क्यू एल डिवाइड बाय 273 इज इक्वल टू 33.33 डिवाइड बाय 300, यहां पर वैल्यू निकालोगे तो क्यू एल की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी 30.33 किलो वाट, और पी इनपुट की वैल्यू क्यू एच माइनस क्यू एल यानी कि 33.33 माइनस 30.33 वैल्यू निकालोगे आपके पास 3 किलो वाट आएगा। यहां से भी आपका आंसर कितना आएगा 3 किलो वाट, तो यहां से हम निकाल सकते हैं, बहुत इजी है, ठीक है। यहां से आपको क्या करना है, सिंपल ये वाला भी यूज करते हैं, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी इक्वल टू जीरो पुट करके हम निकाल सकते हैं, बहुत इजी है ये वाला मेथड, इस मेथड से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रेफरेबली इस टाइप के क्वेश्चन में आप ये वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, स्पेशली वहां पर जहां पर आपको ये वैल्यू नहीं दी हुई हो, ऊपर की वैल्यू दे रखी हो, तो ऊपर की वैल्यू दे रखी हो तब ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो आप, यानी कि इन इस ये 1, 2, 3, 4 ये 4 वैल्यूज में से कोई भी एक अननोन है और वो आपको निकालनी है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बहुत इजी है, ठीक है। चलो फिर आगे करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ए डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर सेट एट 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर टेम्परेचर लिमिट हो गई हमारे पास, हैंडल रेफ्रिजरेशन लोड ये आरसी की वैल्यू दे दी इसने, एम्बियंट टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, और सीओपी कितना है 0.2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम सीओपी। तो सबसे पहले तो और डेली कंजप्शन निकालनी है किलोवाट आवर में, ठीक है, यानी कि पावर निकालनी है। तो मैक्सिमम सीओपी कितनी आएगी, सीओपी मैक्स डायरेक्टली लिख लेते हैं फॉर्मूला, टी एल डिवाइड बाई टी एच माइनस टी एल। देखो लोअर टेम्परेचर कितना 2 डिग्री, 2 मतलब 275 हो जाएगा 273 ऐड करने के बाद, और इसमें ये कितना हो जाएगा 300 माइनस 275, ठीक है। तो ये 275 डिवाइड बाय 25 करेंगे तो वैल्यू आएगी 11, ये तो आई मैक्सिमम सीओपी। और इसने क्वेश्चन में ही कहा है कि एक्चुअल सीओपी इज इक्वल टू 0.2 इनटू मैक्सिमम सीओपी, इसने कह दिया क्वेश्चन में कि ये कारनोट साइकिल तो नहीं है, लेकिन एक्चुअल सीओपी इज इक्वल टू 0.2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम सीओपी, यानी कि एक्चुअल सीओपी 0.2 इनटू मैक्सिमम सीओपी कितनी 11, यानी कि 2.2। और एक्चुअल सीओपी का फॉर्मूला क्या आएगा, आरसी बाय पी इनपुट, और आरसी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है कितनी है, ये वाली 9000 किलो जूल पर डे, इसको अभी इसमें इसी में ही रखते हैं हम, 9000 किलो जूल पर डे में ही रखते हैं इसको, ठीक है, इसको 9000 किलो जूल पर डे में ही रखते हैं।
तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, ये एक्चुअल सीओपी की वैल्यू 2.2, ये 9000 डिवाइड बाय पी इनपुट, तो पी इनपुट की वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी, पी इनपुट 9000 डिवाइड बाय 2.2, ये आएगी 4090.91 किलो जूल पर डे। ठीक है, अब देखो यहां पर पावर की वैल्यू आई है 4090.91 किलो जूल पर डे। अब निकालना क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये लिखा हुआ डेली कंजप्शन निकालना है, क्या निकालना है डेली कंजप्शन, और किस में निकालना है किलोवाट आवर में। देखो इसने यही तो बताया कि एक दिन में पर डे का मतलब एक दिन में इतने किलो जूल एनर्जी आपकी जा रही है, तो यानी कि डेली कंजप्शन जो है, डेली कंजप्शन का मतलब यही है 4090.91 किलो जूल। ये कह रहा है कि इतनी इतनी किलो जूल एनर्जी डेली की डेली कंज्यूम हो रही है, लेकिन हमें किसमें चाहिए, यूनिट हमें चाहिए किलो वाट आवर में, तो किलो वाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करेंगे, सेकंड से डिवाइड कर दो और सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो। यहां पर लिख लेता हूं मैं 4090.91, यहां पर किलो जूल है, सेकंड से डिवाइड कर दो और सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो। सेकंड से डिवाइड कर सकते हैं, सेकंड से मल्टीप्लाई एक ही बात है, किलो जूल ही रहेगा, लेकिन ये वाला इसके साथ काउंट कर लेंगे तो किलो वाट हो जाएगी और ये सेकंड हो जाएगा, तो ये वैल्यू आई इक्वल टू 4090.91 किलो वाट सेकंड। लेकिन किलो वाट आवर चाहिए, तो सेकंड को आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, 4090.91 किलो वाट आवर हो जाएगी डिवाइड बाय 3600 कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.136 किलो वाट आवर। सिंपली किलो वाट आवर हो गया, किलो वाट आवर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, है ना, डेली कंजप्शन आ गई है आपके पास किलो वाट आवर, किलो वाट आवर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली सेकंड से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड से डिवाइड करना है, तो ये से एक सेकंड किलो जूल पर सेकंड हो जाएगा, उसको किलो वाट लिख लेंगे, दूसरा सेकंड है उसको आवर में कन्वर्ट कर देंगे, आवर में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड कर देंगे, 3600 से डिवाइड कर देंगे तो ये आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी किलो वाट आवर में। ठीक है, ईजी है, ओके। तो नेक्स्ट फिर आगे आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ के जो जो इंपॉर्टेंट थिंग है उसको अंडरलाइन कर लेंगे। पहली बात तो ये रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर स्टोरेज इज सप्लाइड विद, ये किसकी वैल्यू है, मास की वैल्यू है 3600 केजी ऑफ सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस है 3600 केजी उसका दे रहा है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई सब्सटेंस रख रहा है। ठीक है, सब्सटेंस को कह रहा है कि 23 डिग्री माइनस 23 डिग्री तक कूल करना है। ठीक है, तो ये हायर टेम्परेचर हो गया और ये लोअर टेम्परेचर हो गया, और उसने टाइम भी दे दिया, कूलिंग टेक्स प्लेस इन 10 आवर, 10 घंटे में होती है, तो यानी कि टाइम भी पता चल गया। स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस कितनी है, 2 किलो जूल पर केजी पर केल्विन अबव फ्रीजिंग पॉइंट एंड 0.5 किलो जूल पर केजी पर केल्विन बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट के अबव तो 2 है और फ्रीजिंग पॉइंट के बिलो 0.5 है, और फ्रीजिंग पॉइंट भी बता दिया -3 पे है। ठीक है, लेटेंट हीट भी बता दिया फ्रीजिंग की, लेटेंट हीट 230 है, और एक्चुअल सीओपी इज 1/2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम सीओपी, देन फाइंड पावर इन किलोवाट। देखो बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास, बहुत सारा डाटा है, तो सबसे पहले तो हमें हायर टेम्परेचर देखना पड़ेगा, टीएच की वैल्यू कितनी है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 273 ऐड करेंगे तो 300 केल्विन, लोअर टेम्परेचर है -23 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें 273 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 250 केल्विन। ठीक है, अच्छा सीओपी, मैक्सिमम सीओपी जितना पता है उतना उतना सोल्व करते जाते हैं, मैक्सिमम सीओपी की वैल्यू क्या आती है, टीएल डिवाइड बाय टीएच माइनस टीएल, यानी कि 250 डिवाइड बाय 300 माइनस 250, वैल्यू कितनी आएगी 5 आ जाएगी, सीओपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, ये वैल्यू किस किसकी आएगी आपके पास,
मैक्सिमम सीओपी की, और उसने कहा है कि एक्चुअल सीओपी इज 1/2 ऑफ मैक्सिमम सीओपी, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक्चुअल सीओपी मैक्सिमम सीओपी का हाफ है, तो सीओपी एक्चुअल आएगा 1/2 × 5 यानी कि 2.5। अब हमें पता है कि एक्चुअल सीओपी तो हमें पता चल गया कितनी है, और अगर पावर इनपुट निकालनी है तो सीओपी का एक्चुअल सीओपी का फॉर्मूला जो होता है वो लिख लेते हैं, क्या आता है, आरसी बाय पी इनपुट, यानी कि पी इनकी वैल्यू आएगी आरसी बाय एक्चुअल सीओपी। अब हमारे पास आरसी नहीं है लेकिन एक्चुअल सीओपी दिया हुआ है, ठीक है, एक्चुअल सीओपी हमें यहां से पता चल गया, दो वैल्यू निकालनी थी, एक्चुअल सीओपी हमने निकाल ली, अब आरसी की वैल्यू और निकालनी है, तो आरसी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो आरसी की वैल्यू कहां से निकालेंगे, फिर से हम क्वेश्चन में आते हैं, देखो एम दे दिया 27 से -23 तक लेके जाना, तो कितनी हीट हम बाहर निकालेंगे, देखो हमें पता है डी क्यू की वैल्यू क्या होती है, एम सी डेल्टा टी, ठीक है, ये होती है एम सी डेल्टा टी। तो देखो क्या हो रहा है, पहले तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड से कूल करेंगे, कूल करेंगे कहां तक लेके जाएंगे, -3 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 3 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, फिर होगा फेज चेंज, होगा क्या होगा, फेज चेंज, फेज चेंज -3 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही रहेगा। सपोज करो ये लिक्विड है, ये भी है आपके पास लिक्विड है, लिक्विड से फेज चेंज होकर किस में जाएगा, आइस में जाएगा, और फिर आइस से फिर से टेम्परेचर डिक्रीज होगा, कहां पर जाएगा, -23 डिग्री सेंटीग्रेड तक। यहां से जो 27 से -3 तक जाएगा वो आ जाएगी आपकी स्पेसिफिक हीट, यहां पर जो जाएगी वो आएगी लेटेंट हीट, और यहां पर जो जाएगी वो कौन सी जाएगी, स्पेसिफिक हीट। तो सबका सम कर देंगे कितनी हीट बाहर निकाली, वही तो आरसी है, वही आरसी है, और टाइम से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास आरसी की। तो यहां पर स्पेसिफिक हीट को क्या लिख सकते हैं, एमसी, इसके लिए, इस केस के लिए एमसी डेल्टा टी, प्लस इस केस के लिए लेटेंट हीट आएगी एम इंटू लेटेंट हीट, प्लस इस केस के लिए क्या आएगी, एमसी डेल्टा टी। ये फ्रीजिंग कंडीशन में है, ठीक है, आइस कह सकते हो आप, ये लिक्विड स्टेट में है तो यहां पर लिक्विड की सी लेंगे, तो एम कॉमन ले लेते हैं, पहले यहां से सी किसकी लेंगे, अबव फ्रीजिंग पॉइंट, ये वैल्यू क्या है, अबव फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट से अबव वैल्यू कितनी देर की है, 2, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू अबव फ्रीजिंग पॉइंट कितनी देर की है, 2 इंटू डेल्टा टी, यानी कि 27 माइनस में -3, ठीक है, फिर लेटेंट हीट कितनी है, 230 यहां पर है, 230 लेटेंट हीट है, फिर प्लस एम तो कॉमन ले लिया हमने, ठीक है, यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट के बिलो कितनी लेटेंट हीट है, 0.5, सॉरी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कितनी है, फ्रीजिंग पॉइंट से बिलो 0.5 है, और टेम्परेचर कहां से कहां जा रहा है, देखो -3 से -23, -3 माइनस में -23, ये वैल्यू मास की वैल्यू 3600, ये मास की वैल्यू पुट कर देंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्टली आरसी की वैल्यू आ जाएगी, टाइम से डिवाइड कर देंगे 10 आवर, आवर को सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, आवर है, आवर को सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो 3600 हो जाएगा, यहां पर 2 इंटू ये कितना हो गया 30, क्योंकि 27 माइनस और माइनस प्लस 330 हो गया, प्लस 230 प्लस ये हो गया 0.5 इंटू -3 माइनस और माइनस प्लस 23 यानी कि 20 हो गया, ये 10, ये 60, 70, 30, 300 हो गया, तो आरसी की वैल्यू आई 3600 इंटू 300 डिवाइड बाय 10 इंटू 3600, तो 3600 से ये कैंसिल हो गया, ये आरसी की वैल्यू आई 30 किलो जूल पर सेकंड या 30 किलोवाट। जो ये 30 किलोवाट आई है ये वैल्यू आरसी की वैल्यू, आरसी कैसे निकाला हमने,
जो भी हीट एक्सट्रैक्ट हुई है पर सेकंड निकाल ली, वो आरसी की वैल्यू आ गई। इसको पुट कर देंगे इसमें डायरेक्टली। आ देखो, आरसी की वैल्यू निकालने के लिए पहले 27 से माइनस 3 तक जो हीट निकाली है वो वैल्यू, फिर फेज चेंज हुआ है उसकी वजह से जो हीट बाहर निकली है वो वैल्यू, प्लस बाद में फिर से जो माइनस में टेम्परेचर गया है वो वाली वैल्यू, तीनों के लिए जो भी हीट निकाली है वो बाहर वो निकाल ली हमने, मास से मल्टीप्लाई कर दिया और टाइम से डिवाइड कर दिया, पर यूनिट टाइम ले लेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी आरसी की वैल्यू किलोवाट में। इतनी यही हीट जो है वो स्टोरेज से बाहर निकाली है, एक्चुअल में यही वाली हीट स्टोरेज से बाहर निकाली गई है, ठीक है। तो अभी इसमें पुट कर देंगे आरसी की वैल्यू, बस क्वेश्चन सोल्व हो गया हमारे पास। यहाँ पर 30 और सीओपी कितनी आई है 2.5, तो 30 डिवाइड बाय 2.5 करेंगे तो कितना आ जाएगी वैल्यू, ये आ जाएगी 12 किलोवाट। आंसर आया आपके पास 12 किलोवाट पी इनपुट। एक्चुअल सीओपी भी आ चुकी है हमारे पास और आरसी भी आ गई है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, आगे फिर आगे सॉल्व करेंगे, इससे आगे फिर हम बढ़ेंगे। अभी ये बेसिक क्वेश्चंस थे बहुत, इसके बाद कुछ और क्वेश्चन करेंगे, कुछ वेपर कंप्रेशन साइकिल पे और क्वेश्चंस करेंगे आगे करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, आप अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।